बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा कल पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी दशहरे को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर रावण का निर्माण कर रहे कारीगरों ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है। न्यू मार्केट स्थित रावण के पुतलों का निर्माण कर रहे कारीगर सुरेश साहू ने बताया कि उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से भोपाल समेत आसपास के शहरों के लिए रावण का निर्माण करते आ रहे हैं। इस वर्ष आए दिन हो रही बारिश से निर्माण कार्य में काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। समय में प्रथम जो प्रथा शुरू करी मेरे दादाजी ने करी थी खुशीलाल साहू जी ने, वो बेगम साहब ने 11 रुपए दिए थे रावण के चल समारोह के लिए। इसमें राम बरात भी थी और रावण भी था, वो दशहरा मैदान छोला दिया था उन्होंने। जब से आज तक मेरे पूर्वज बनाते हुए चले आ रहे हैं, मेरे पिताजी ने बनाया, मैं बना रहा हूँ और अब मेरे बच्चे बना रहे हैं। पहले क्या है कि इतना लागत नहीं थी, हर चीज़ सस्ती थी, मजदूरी सस्ती थी, काम करने वाला भी उस मिस्त्री से काम करता था कि मैं यार कहीं काम करने आ रहा हूँ। आज पहले 3 रुपए लेता है, 300 रुपए लेने के बाद भी काम नहीं होता। बारिश की वजह रावण हो गई है, डबल डबल रावण बनाना पड़े।